पर्सन लेके गया उस दिन, उस दिन भी नहीं भेजना था इसने हमको। पहले किया इसने कॉल क्यूजेड का, सुबह 9 बजे हमको कॉल किया, बोला क्यूजेड तैयार है बस आ जाओ। आ गया आधे आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे कॉल आ गया, यार नईम खान शोर कर रहे ऐसे ऐसे। हम बोले यार तुम पे बात आ रहा है, बोलते हैं हाँ। हम बोला उसको भेज, हमको नहीं लगाना, हमको अगली गाड़ी में भेज। वो खुश हो गया। उसके बाद 41 अरेंज हो गया, असिस्टेंट इसके पास था नहीं। नबी बख्श को उतारा इसने, बोलता है शेड में उसका ड्यूटी था, बोलता है तुम जाओ 41। उसने बोला ड्राइवर कौन है, बोलता है आफ्ताब शाह है, बोलता है हम नहीं जाते। बोलते यार फिर तुम किसको ले जाएगा, बोलते हम जद यासीन है, बोला बताओ उसको लगाओ। वो इसको मजबूर है ना उनको लगाना पड़ा। हमने फिर इनका बात नहीं माना, हमने इंजन फेल हो गया इनका पदक में, हमको बोलते हैं भी रिलीफ इंजन जा रहे। अब तक पहुंचा नहीं था अहमदवार प्रोग्राम, हमको पता चल गया। हम बोले यार हम चाहेगा लेकिन रेस्ट कर, खैर बोला जैसे रिलीफ इंजन जाना है। क्या इंजन स्टार्ट किया, चलो अल्लाह दे वाले। हम बोला उधर बच्चा तुमको सुबह नाश्ता भी मिलेगा पराठों का, वरना इधर सुबह तुमको सूखा रोटी खाना पड़ेगा। सुबह सुबह हम लोग फजर का नमाज के आधे घंटे बाद, मतलब रोशनी अभी हुआ था, हम लोग जाके उनके पीछे खड़े हो भाई सीधे रेस्टोरेंट में, जबरदस्त नाश्ता, चार चार छह छह पराठे फाड़े उधर पड़े जाते। मजा बड़ा, हम बोला मजा आया ना, हम बोला उधर तो हमने भूखी मर जाना था पागल। फिर जो वापसी हमारा प्रोग्राम था, हम बोला रेस्ट करेंगे, हमको इंजन ऐसा दे दिया जो नॉनसेंस स्टार्ट में, वो हम बंद ही नहीं कर सकते। हम बोला अभी जा नहीं दूंगे, अभी किधर रेस्ट करो, घर पहुंच की बंदा रेस्ट कर। हम बोला अभी इंजन हम बंद करेगा कम से कम 6 घंटे स्टार्ट भी नहीं रख सकते, बंद करेगा दोबारा स्टार्ट नहीं होएगा, ये इससे बेहतर है घर पहुंचो बस। उसका लिमिट आधा घंटा है बस, बंद हो गया आधे घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो गया तो ठीक है। सिटी से मिला ना आसिम को, इतना पहले आसिम को हम बोले भाई कौन सा इंजन लगा दिया, तो मेरे भाई आधे घंटे का टाइम है स्टार्ट हो जाए नहीं हुआ। लेट पहुंचना चाहिए, लेट चला एक
हमको भी भागने के इतने शौक है, मेरी वजह से चलो कितने लोग पढ़ लेंगे। मेरे तो गिलाना करी मैं बाद के दूध बांटता है 10 मिनट नहीं दूध है बोले जो भाई ठीक है आप मेरे वो एडवर्टाइजमेंट वाली नहीं थी ट्रेन उसमें बोले जो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट होता है इनका टाइम पूरा हो ये कर दो मैंने बोला वो तो मैंने खुद पे ड्रॉप बोला फिर वो ऑफिस से जाएंगे तो मैं उठी आपको जो उधर की दे दूं क्या देना मैं बोला कैसे दूं दोबारा ऐसा कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि हमारे साथ बात करें ये वो अभी ऐसे आके बैठ गए पैगाम तो भेजा था ना दो तीन बंदों क्या था बोला बच्चा तुमने स्टेशन में नहीं बैठे रहना चाह रहा कभी तो लेके आएगा ना अच्छा आएगा ये तो कोई नहीं बैल वाली बात है तेरिया चीका निकल दिया होनी है मैं तो ऐसे मजे लेने ने फिर टीआई और मलक फरीद जब आ रहे हो ना टीआई के गोडियां नु हाथ लाओ क्या आके ये दोनों जब आ रहे हो ना दोनों जब आ रहे हो एक अकेला आ रहा हो या दोनों इकट्ठे भी आ रहे हो दोनों के गूंजे जैसे अब सामने आता है अस्सलाम वालेकुम अब तरह दी है पढ़ाना भी नहीं है।
ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਘੜੀ ਨਾ।